अक्टूबर से जारी इसराइल और हमास के बीच खूनी संघर्ष के बीच इसराइल ने पहली बार सीजफायर की घोषणा कर दी है। इस दौरान हमास द्वारा बंधक बनाए गए 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। बता दें कि इसमें सबसे अधिक संख्या महिलाओं और बच्चों की है। समझौते के अनुसार प्रतिदिन 12 से 13 बंधकों का समूह रिहा किया जाएगा। गाजा में युद्ध के बीच दोनों में यह समझौता आसान नहीं था। समझौता कैसे हुआ, किसने कराया और 50 बंधकों की रिहाई किस प्रकार होगी, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC भारत, मेरे यानी नेहा आनंद के साथ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली सरकार ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए 50 महिलाओं और बच्चों की रिहाई के लिए 4 दिनों के दौरान एक समझौते की घोषणा की है। 4 दिनों के दौरान इजरायल और हमास के बीच जंग रुकी रहने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक 50 बंधकों में 30 बच्चे, 12 महिलाएं और 8 माताएं शामिल हैं। बता दें कि प्रतिदिन 12 से 13 बंधकों के समूह को रिहा किया जाएगा। वहीं समझौते के तहत इजरायली जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को भी रिहा किया जाएगा। बता दें कि इजरायली सरकार ने भी इस समझौते पर अपनी पूरी प्रतिक्रिया दी है। पंडित मुरलीधर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सुजानगंज में 24 नवंबर को हो रहे सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में आप सभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसमें कहा गया है कि इजरायल सरकार सभी बंधकों को घर लौटाने के लिए बाध्य है। सरकार ने सीजफायर के पहले चरण की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इन 4 दिनों में कम से कम 50 बंधकों, महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान लड़ाई पर विराम रहेगा। इतना ही नहीं, टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 30 और बंधकों को रिहा किया जा सकता है। अगर बात करें समझौते की, तो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी CIA के प्रमुखों ने दिन रात एक करके हर मुमकिन कोशिश करके ये समझौता कराया है। राष्ट्रपति बाइडेन को कतर के प्रमुख सहित कई लोगों को बार बार फोन करना पड़ा, क्योंकि इस डील से अमेरिका की साख भी खतरे में थी। इजरायली कैबिनेट के तनावपूर्ण मीटिंग के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिकी राजनयिक ब्रेट मैक गुर्क को पकड़कर रोकना पड़ा। नेतन्याहू ने ब्रेट से कहा कि हमें इस डील की जरूरत है। इससे पहले नेतन्याहू और बाइडेन के बीच फोन पर हमास के 50 बंधकों की रिहाई को स्वीकार करने पर सहमति भी बनाई, जिसमें इजरायली महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस समझौते पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें।